मधुर भाई अपने बिस्तर से उठे। उनके सीने में दर्द हो रहा था। अपने घर के बैठक वाले रूम में नजर डाली तो देखा पूरा परिवार अपने मोबाइल में मशगूल था। सभी के सर नीचे की ओर झुके हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि सुनो, सीने में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखा कर आता हूं। पत्नी ने भी अपना सर उसी तरफ रखा और कहा, ठीक है, ध्यान से जाना, संभल के जाना, और कोई जरूरत हो तो कॉल कर देना। मधुर भाई टू व्हीलर की चाबी लेके पार्किंग की ओर चले और टू व्हीलर चालू ही नहीं हो रहा था। इतने में उनके घर में काम करने वाला रमेश वो आया, साइकिल को पार्क करते हुए स्टैंड पे चढ़ा ही रहा था कि उसने मधुर भाई की ओर देखा और कहा, साहब आप पसीने से तरबतर लग रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मधुर भाई ने कहा, तभी तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अस्पताल की ओर चला हूँ। रमेश ने कहा, अकेले जा रहे हैं? उसने फटाफट से टू व्हीलर की चाबी ली, उसे किक स्टार्ट करते हुए कहा कि साहब पीछे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो अंदर दौड़ कर गया और व्हील चेयर लेकर आया, और जैसे खुद ही डॉक्टर हो, खुद ही डिसीजन लेकर उसने आईसीयू की ओर उस व्हील चेयर को धक्का मार दिया। जैसे ही वहां पर पहुंचा तो रमेश के मोबाइल पर बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे। सब फ्लैट के लोग थे जो कॉल कर रहे थे, और उसने धड़ल्ले से कह दिया कि मैं आज काम पर नहीं आने वाला। फोन को साइलेंट कर दिया और वहां डॉक्टर्स की टीम रेडी थी। सारे के सारे टेस्ट फटाफट हुए और डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत टाइम पे आए हो, इससे ज्यादा लेट हुआ होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब आपका ब्लॉकेज निकालना होगा, हमें जल्द ऑपरेशन करना होगा, और जिससे पहले आपके किसी एक रिश्तेदार की सिग्नेचर चाहिए होगी इस फॉर्म पे। मधुर साहब ने पेन थमा दी रमेश के हाथों में और कहा, बेटा साइन कर दे और नीचे लिख दे कि मेरे कहने पर तूने ये साइन किया है, मैं भी वहां पर साइन कर दूंगा। साइन कर दिया उसने झिझके बिना, बिल्कुल हिचकिचाए बिना, कि उतने में रमेश के मोबाइल पर एक और फोन आ रहा था, और इस बारी मधुर साहब की बीवी का फोन था। रमेश कुछ देर तक सुनता रहा और फिर उसने कहा कि मेम साहब, आपको मेरे पैसे काटने हो काट लेना, मुझे काम पे से निकालना हो निकाल देना, लेकिन अभी इस वक्त अस्पताल पहुंच जाइए आप सब, साहब को यहां पर लेकर आया हूं, उनका बहुत ही जल्द ऑपरेशन करना होगा। मधुर साहब मन ही मन सोच रहे थे कि इस वक्त मेरी पत्नी को रमेश काम पर क्यों नहीं आया और उसका पगार काटने के विचार आ रहे थे। मधुर साहब का ऑपरेशन हो चुका था और उसके बाद की वो मोमेंट थी जब वो अस्पताल के रूम में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, और जैसी उनकी आंखें खुली उनका पूरा परिवार अपना सर झुकाए हुए शर्म के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। मधुर साहब ने आंख खोलते ही कहा कि मुझे रमेश से मिलना है, उस मेरे बेटे के बिना मेरा जी पाना असंभव था। एक मोबाइल फोन जो हमें हमारे अपनों से कितना दूर लिया जा रहा है, और हमें विचार भी नहीं आता। तलाश है एक दर्जी की जो उधड़े हुए रिश्तों की सफाई से सिलाई कर दे, जो गलत फहमी के छेदों को सफाई से रफू कर दे। ये कहानियां जो आपको पसंद आती है रोज सुबह मेरे साथ 94.3 MyFM पर सुबह 7 बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से।